Welcome to Nilesh Classes, the students of 10th standard. Today I am going to teach you probability part 2. My dear students, 10th standard की NCERT book में जो probability का topic है that is 15, तो इसमें एक ही single exercise है that is 15.1 NCERT की book 15.1. Part 1 में मैंने इसका introduction probability का आपको दे दिया है. Now today I am going to teach you the question based on coin. Coin पर based questions. Coin पर based question exam में आ जाता है probability पर. तो coin पर based question मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ. Actually my dear friends, coin में आपको पता है कि जो भी आप coin लेते हैं उसमें one side tail होता है, one side head होता है. तो उसी पर based question है, head और tail पर based questions. कि जब हम coin को toss करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की और टेल आने की. तो ना लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. कोई भी इवेंट है, जैसे कॉइन को टॉस करना, इट इज एन इवेंट. ये इवेंट है. तो जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते इवेंट होता है, उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला ये आपके सामने. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. फेवरेबल आउटकम्स वो हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आएंगे उस इवेंट में. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो आपको सिर्फ डिवाइड करना है फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे. जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो कीप दिस फार्मूला इन योर ब्रेन, राइट डाउन आल्सो इन योर नोटबुक. नाउ इस पॉइंट को आपको नोट करना है और समझना है कि व्हाट आर द चांसेस व्हेन कॉइंस आर टोस्ट. जब आप कॉइन टोस करेंगे तो क्या क्या चांसेस होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने आने के चांस होते हैं. तो आइए पहले समझ. If one coin is tossed, अगर आप एक coin toss करते हैं, my dear sir, single coin आपने toss कर दिया, chance क्या है? या तो head आएगा या tail आएगा. Head, tail, एक इसमें भाई यही chance है कि या तो आएगा head, या तो आएगा tail. तो 50% chance है कि head आएगा और 50% chance है कि tail. तो इसमें तो कोई question बन ही नहीं पाएगा जिसमें हमें पता चल चुका है 50-50 है. अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें तो 0.5 और 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाली जाती है. तो 0.5 चांस है कि ये आएगा, 0.5 चांस है कि ये आएगा, हेड और टेल. बट इफ टू कॉइंस आर टोस्ड माय डियर स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, आपने टू कॉइंस लिए साइमल्टेनियसली, मैंने एक साथ दोनों कॉइन को टॉस किया, नीचे आपने देखा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चांसेस. देखिए, या तो दोनों कॉइन में एच एच यानी हेड हेड आएगा, पहला चांस. हो सकता है दोनों में एच एच हो, हेड हो दोनों में, या दोनों में टेल टेल हो सकता है. हम कह नहीं सकते, हमने तो टू कॉइन्स को टॉस कर दिया और हमने देखना कि टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. या तो दोनों में हेड होगा या दोनों में टेल होगा, दो चांस तो ये हो गए. या पहले वाले कॉइन में हेड और दूसरे वाले कॉइन में टेल होगा, एक कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड होगा. तो आपको देखना है कि आपने टू कॉइंस लिए, दोनों को टॉस करा, नीचे देख रहे हैं ये पहली कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, फर्स्ट और सेकंड कॉइन. तो आप क्या देखेंगे, या तो दोनों में एच एच है, हेड हेड, ओके, या दोनों में टेल टेल होगा, ओके, या पहले वाले कॉइन में हेड दूसरे वाले में टेल होगा, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड होगा. द मीनिंग इज दैट अगर आप टू कॉइंस को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स 4 आने के चांस हैं. 4 में से कोई भी एक आ सकता है, टोटल आउटकम्स 4 हो सकते हैं, चांसेस 4 है. या तो एच एच होगा, या टी टी, या एच टी, या फिर टी एच. 4 आउटकम्स आने के चांस हैं, 4 आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स होंगे 4 अगर आप टू कॉइंस को टॉस करते हैं.
तो टोटल आउटकम्स 4। इफ 3 कॉइंस आर ड्रॉ साइमल्टेनियसली, अब आपने एक साथ 3 कॉइन ले, 3 कॉइंस ले लिए, तीनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आ सकता है, तो लुक एट द बोर्ड। या तो तीनों में हेड होगा, एच एच एस, तीनों कॉइन में हेड, एक चांस। या तो तीनों में टेल होगा, दो चांस। या तो एच एच टी, दो में हेड, बाल वाले में टी होगा, शुरू के दो में हेड, थर्ड वाले में टेल होगा। या शुरू वाले दो में टेल और बाद वाले में हेड होगा। या पहले वाले में हेड फिर टेल फिर हेड होगा। या पहले वाले में टेल फिर हेड फिर टेल होगा। या पहले वाले में हेड बाद वालों में टेल टेल होगा। या पहले वाले में टेल बाद वालों में हेड हेड होगा। तो मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप 3 कॉइंस को टॉस कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स 8 हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स 8 पॉसिबल हैं, चांसेस हैं, टोटल आउटकम्स 8 होंगे। कैसे, या तो तीनों में हेड या तीनों में टेल, ओके। या शुरू के दो में हेड बाद वाले में टेल, या शुरू के दो में टेल बाद वाले में हेड, ओके। या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, ओके। या पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल, ओके। या पहले में हेड बाकी दो में टेल, या पहले में टेल बाकी दो में हेड। तो आप देखिए इस तरीके से जब 3 कॉइंस को आप टॉस करेंगे तो सामने आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि टोटल आउटकम्स 8 पॉसिबल है, 8। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसी पर बेस क्वेश्चन आपके सामने 2 है, बस 2 क्वेश्चन को कराऊंगा और आपको समझाऊंगा। आपको इस सब को अपने ब्रेन में रखना है कि अगर 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम हो सकते हैं हेड और टेल। तो 50-50% यानी 0.5-0.5 हो गया। लेकिन अगर 2 कॉइंस को आप टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4। और अगर आप 3 कॉइंस को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8। कौन कौन से होंगे वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको माइंड में रखना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन। 2 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, कितने कॉइन को टॉस किया, 2। तो आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 2 कॉइंस को टॉस कर रहे हैं तो आपको पता है टोटल आउटकम्स आपके होंगे 4। टोटल आउटकम्स कितने हुए, कौन कौन से हुए, एच एच टी टी एच टी और टी एच, ये है आउटकम्स। अगर आप 2 कॉइंस को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स 4 है, ये रहे आउटकम्स, आपको माइंड में रखना। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड यानी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, नो हेड जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकल, फेवरेबल आउटकम। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, अब आप इनमें देखिए, पहले पहला चांस था कि दोनों में हेड आएगा, दूसरा था दोनों में टेल आएगा, तीसरा था हेड और टेल आए, और फोर्थ था टेल और हेड आए। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड किस में आया, ये रहा नो हेड। नो हेड यानी कोई भी हेड ना है, वो आउटकम जिसमें कोई हेड ही ना है, तो ये रहा। तो कितने यहाँ पे हैं, टोटल 4 आउटकम में से कितने आउटकम ऐसे हैं जिनमें नो हेड हो, सर जी 1 टेल टेल 1 फेवरेबल आउटकम आपका हो गया 1।
तो टोटल आउटकम्स कितने हुए आपके 4, 1, 2, 3, 4। अब फेवरेबल आउटकम कितना हुआ आपका 1, नो हेड वाला, इसमें कोई हेड ना हो। तो अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नो हेड, ये इवेंट लिख दिया आपने, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट ब्रैकेट में लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल, फॉर्मूला आपको पता ही है, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला आपके सामने आई है, अप्लाई किया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, नो हेड 1 था, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 4, तो दैट इज 1 अपॉन 4, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.25, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, नो हेड की प्रोबेबिलिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से ज्यादा, मोर देन 0 और 0, लेस देन 1। अब आप समझिए, 0 से ज्यादा, 0 0 ज्यादा, लेस देन 1 तो पॉइंट नहीं आती है, 0.001, 0.002, 0.12, 0.13, 0.15, ये होती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लेस देन 1, 1 और लेस देन 1, तो ये देखिए 0.25। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Now listen, question number 6, 3 coins are tossed simultaneously, now 3 coins ko toss kar, only 3 coins, only to nahi keh sakte but 3 coins ko toss kar, jab wo 3 coins ko toss karega my dear friends, to sabse pehle aapne net total outcomes, kitne honge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल आउटकम्स होंगे आपके 8, कौन कौन से, लुक एट या इनको भी लिखना पड़ेगा, जो आउटकम्स होंगे वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, वो तो पता ही, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 है, यस। तो देखिए ये रहा आपके पास आउटकम्स, क्वेश्चन है 3 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, आपने 3 कॉइन से टॉस किया, तो पहले तो आपको पता है जब 3 कॉइन से 3 कॉइन आप टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स के क्या चांसेस है, तो वो है आपके पास 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जब आपके सामने आंसर आएगा तो आप इस तरीके से टोटल आउटकम्स 8 लिख सकते हैं, ये आपने वही जो यहाँ पे आपको बताया गया है वो आपने लिख दिया, टोटल आउटकम्स 8 होते हैं आपने लिख दिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, आपको ये देखना है 2 हेड्स कितनी बार है, 2 हेड्स के चांस कितने, उसके आउटकम्स कितने, तो लुक एट हियर, इसमें 2 हेड्स है, इसमें 2 हेड्स है, इसमें 2 हेड्स है और इसमें 2 हेड्स है, 1, 2, 3, 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, इसमें 3 हेड्स है तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, केवल 2 हेड्स हुए, इसमें तो 3 हेड्स है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड, इसमें 2 हेड, तो 3 में 2 हेड, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, कितनी बार 2 हेड्स आया है, तो लुक एट इट, अगर आप इसमें देखें तो उसमें तो 3 हेड्स है, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसमें 2 हेड्स, इसमें 2 हेड्स, इसमें 2 हेड्स, तो चांसेस ये है कि आउट ऑफ 8 आउटकम में से 3 आउटकम्स यानी 3 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें 2 हेड्स होंगे, अब तो आपको पता ही, तो आइए क्या लिखेंगे आप, फेवरेबल आउटकम्स 3, फेवरेबल आउटकम्स 3,
तो आपका फेवरेबल आउटकम 3 है। 2 हेड्स 1 2 3 में 2 हेड्स है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 हेड्स आ गए। नाउ फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है 2 हेड्स, तो जो भी इवेंट है ब्रैकेट में। नाउ फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और वैल्यू पुट कर। फेवरेबल आउटकम्स उसे कहते हैं जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग नो हेड्स, गेटिंग टू हेड्स, टू हेड्स कितनी बार आए हैं, 1 2 3 टाइम्स, उनका आउटकम 3 है और टोटल आउटकम्स कितना है 8। कि अगर 3 क्वींस को आप क्रॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स के चांस होते हैं 8, टोटल आउटकम्स 8 होंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। बट उन्होंने किसका पूछा है, 2 हेड्स का, तो आप देखिए कितनी बार 2 हेड्स आए हैं, इसमें 2 हेड्स है, इसमें 2 हेड्स है, इसमें 2 हेड्स है, चांसेस है कि 3 बार 2 हेड्स आ सकते हैं आउट ऑफ 8, तो 3/8, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3/8 डिवाइड करके आप डेसिमल में भी ला सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टॉट यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइंस, क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉइंस। किस तरह से कॉइंस पर बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो कीप दिस इन योर ब्रेन, लर्न इट, वॉच इट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। Understood? Thank you very much. Bye-bye.